हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो हम बात करेंगे एक्टिवा 7G की, जिसका लॉन्च आपको इंडिया में जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो उसके बारे में आपको सारा कुछ इसमें वीडियो में बताऊंगा कि इसका लॉन्च आपको कब देखने को मिलेगा एंड इस बार की एक्टिवा में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप एक्टिवा 7G की अपडेट्स मिस ना कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो बात करते हैं सबसे पहले एक्टिवा 7G की। तो गाइस, उससे पहले मैं बता दूँ, जो जितनी भी अभी तक एक्टिवा 7G की यूनिट्स थी यहाँ पर अपने इंडिया में, वो ज़्यादातर बिक चुकी हैं। उसकी कुछ ही यूनिट इंडिया में लेफ्ट हैं, तो उनको जब वो सारी सोल्ड आउट हो जाएंगी तो उससे पहले आपको इसका जो टीज़र होगा वो आपको इंडिया में जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही उसके सारे यूनिट सोल्ड हो जाएंगे एक्टिवा 6G के, एक्टिवा 7G का उसी टाइम आपको लॉन्च देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं सबसे पहले इसके लॉन्च की। तो जो इसका एक्सपेक्टेड लॉन्च है वो आपको अगस्त या सितंबर तक देखने को मिल सकता है 2022 के। बात करें इस बार की एक्टिवा में चेंजेस की, तो इस बार की एक्टिवा में आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो इसकी माइलेज होगी उस पर सबसे बड़ा काम किया जा रहा है। गैस, ये भी बताया जा रहा है कि अभी तक जितनी भी इंडिया में एक्टिवा लॉन्च हुई हैं उन सबसे ज़्यादा आपको इस बार एक्टिवा में माइलेज देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी बड़ा इसमें यह चेंज होने वाला है। बाकी बात करूँ इसके इंजन की, तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा पावरफुल इंजन इस बार देखने को मिलेगा। आपको इस बार ये एक्टिवा 7G में इंजन का भी अपग्रेड देखने को मिलेगा। 110 cc से इस बार 125 cc का इंजन आपको इस बार एक्टिवा के 7G में देखने को मिलेगा। तो ये भी काफ़ी बड़ा इस बार चेंज दिया जाएगा। नेक्स्ट चेंज होने वाला है इसकी लुक्स को लेकर। इस बार की एक्टिवा में आपको क्रोम भी देखने को मिलेगा। इसकी लुक्स को काफ़ी अच्छा बनाया जा रहा है एक्टिवा की। इस बार की बात करूँ नेक्स्ट चेंज की, तो वो होने वाला है डिजिटल कंसोल को लेकर। इस बार की एक्टिवा में आपको काफ़ी अच्छा डिजिटल कंसोल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको इस बार ब्लूटूथ का फीचर ऐड किया जाएगा। उसी के साथ इसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम भी दिया जाएगा। जैसे कि जितने भी अभी लेटेस्ट स्कूटर आ रहे हैं उनमें आपको ये फीचर देखने को मिलता है। जैसे कि हाल में ही अभी एक जुपिटर आई थी उसमें ये फीचर आपको देखने को मिलते थे, तो अपने कंप्यूटर को बीट करने के लिए ये फीचर भी आपको एक्टिवा में देखने को मिलेंगे। तो गैस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? एक्टिवा की मैं और भी अपडेट्स आपको लाता रहूँगा चैनल पे, तो आप चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।